हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सभी का। होप करता हूँ बढ़िया ही होगे। यार आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। और वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा पॉइंट बताया है जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो अपना चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें इतने सारे वीडियोज आते हैं। आप हर एक वीडियो तो ओपन करके नहीं देखते हो ना, आप सिर्फ वही वीडियो ओपन करके देखते हो जिसका थंबनेल आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी वीडियोस से वो थंबनेल आपको थोड़ा अलग लगता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको अपनी साइड, अपनी तरफ आपको आकर्षित करता है, तभी आप उस वीडियो को देखते हो। और जिसका वो वीडियो होता है इसी तरह से वो उस वीडियो पर व्यूज़ गेन करता है और अपने चैनल को एक अच्छे लेवल पर लेके जाता है। तो मेनली वर्क रहता है 70-80% आपकी थंबनेल का। फ्रेंड्स आपने वीडियो बना ली, एडिट अच्छी कर ली, बैकग्राउंड अच्छा दे दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया, लेकिन मेन जो वर्क रहता है वो आपकी थंबनेल का ही रहता है। क्योंकि यूट्यूब की जब कोई भी एप्लीकेशन खोलता है तो उसको ये तो नहीं पता होता ना कि वीडियो में क्या है अंदर। तो मेनली थंबनेल आपको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए थंबनेल जो कैची हो, क्योंकि फ्रेंड्स थंबनेल ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कैची अट्रैक्टिव बनाकर अपना चैनल बहुत ही जल्द ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मेन वर्क 70-80% थंबनेल का ही रहता है किसी भी बंदे को उस वीडियो पर इंटरेक्ट करने के लिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि पूरा थंबनेल पर होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक पिक्सार्ट से ही फोटो ले लिया है, चलिए आप इसको यूट्यूब के थंबनेल के साइज़ के अकॉर्डिंग एडिट करते हैं। तो लास्ट में आना है हम लोग को क्रॉप वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर हमको मिल जाएगा यूट्यूब, उस पर क्लिक करते हैं। ये मेनली थंबनेल का साइज़ ही होता है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो जितना फ़ोटो आपको लेना है। अब यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया है, मैं ये जस्ट सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए ये एडिट कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। चलिए इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में एक पॉइंट आपको ऐसा बताया है जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी आपका चैनल ग्रो कर जाएगा यूट्यूब पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप आप करोगे तो हो सकता है वो पॉइंट निकल जाए और आप उस पर ध्यान ना दे पाओ। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट ऐड कर लिया है और ये देखिए ऊपर ये कई तरह के अलग टेक्स्ट हम लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो इसके पेड वर्जन में आते हैं जो कि हमें ख़रीदना पड़ेगा तब वो यूज़ हो पाएंगे। तो यार इसमें फ्री ही इतने सारे हैं कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो फ्री वाले हैं हम उनसे ही करते हैं, और मैंने अभी तक कोई एप्लीकेशन में ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं है इसमें, और ना ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपकी जितनी नीड है, अभी आपको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो हम ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं मेनली इसी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग कलर कर सकते हैं, इसमें अपने जो फॉन्ट्स वगैरह हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा कलर बेटर है, आई थिंक ये कलर ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये आ गया इसका स्ट्रोक। तो इसका मेनली वर्क ये रहता है कि आपने जो भी लिखा हुआ है उसके पीछे एक अंडरलाइन हो जाएगी, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, आपका जो वर्ड है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये रोल प्ले करता है अपना। और इसको आप अलग कलर्ड भी कर सकते हो, उसमें कलर भी दे सकते हो। देखिए आप, मैं देख करता हूँ।
आई थिंक इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये भी सीख गए होगे कि अपनी थंबनेल पर एक फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हो। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो फोटो से।
डाउनलोड हो जाएगा आपको यहीं से कर। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको स्टेप को अप्लाई करते हो तो आपका थंबनेल का क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, पूरा आप ये देखिए एक एक पिक्सल उसका पूरा क्लियर आएगा। ठीक, तो यही मेन पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और सबसे ज्यादा वर्क करता है। अगर आपकी थंबनेल का रिजोल्यूशन खराब हो जाएगा तो फिर उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, वो जब आप अपलोड करोगे तो उसमें पिक्सल्स आ जाएंगे, फोटो आपका जो थंबनेल है वो थोड़ा ब्लरी ब्लरी हो जाएगा, तो अच्छा इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अपने थंबनेल पर वर्क करिए, क्योंकि 70-80% जो रोल है वो थंबनेल ही प्ले करता है। अगर किसी बंदे को अट्रैक्टिव लगता है आपका थंबनेल, वो तभी वीडियो को ओपन करना है और तभी आपके वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ते हैं, और जब आपके व्यूज़ बढ़ेंगे लोग आपका वीडियो पूरा देखेंगे अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो आप सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए, आप व्यूज़ देखिए। और फ्रेंड्स देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका बेनिफिट ये है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपका उतना जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 4000 घंटे का आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। इधर आपकी व्यू पर व्यूज़ अच्छे आएंगे और आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएंगे। तो आपको व्यूज़ पर वर्क करना है जो कि मेन थंबनेल से ही होगा। तो होप करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता है। तो मैंने आपको इसमें पूरा पूरा प्रोसेस सिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा। मैं भी अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट दिखाइए। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4K आज का वॉच टाइम मुझे भी कंप्लीट करना है। इस टाइप की और हेल्पफुल वीडियो मैं लेके आता रहूँगा जो कि टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।